नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके राशिफल के बारे में। दिन 4 जुलाई दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, आपको आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और आपके राशिफल वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग की। आज का पंचांग है 4 जुलाई 2022 दिन सोमवार। आज की तिथि है पंचमी। आज का नक्षत्र है मग्गा नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। दोस्तों आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:27 पर। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 7:21 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 12:53 से दोपहर 1:49 पर। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 3:40 से शाम 4:35 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 8 और लकी कलर है भूरा और सफ़ेद। अब बात करते हैं आपके राशि फल की। आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हर किसी कार्य को समय के अनुसार करने का प्रयत्न करते हैं, इसीलिए आपको कामयाबी अच्छी प्राप्त होने की संभावना आज काफ़ी है। आज आपको किस्मत का सहयोग मिल सकता है। कामकाज में आपको बहुत ही जल्दी आगे आप बढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम भी आज हो सकती है। अचानक फायदा होने के कारण आज आपके काफ़ी योग हैं। आपके किस्मत का साथ आज काफ़ी मिलने वाला है। पैसों के कामकाज में भी आप सुबह सुबह ही ना डालें। निजी जीवन और ऑफिस दोनों के मामलों में तनाव और तनाव खत्म हो सकता है। नए और दिलचस्प लोगों के मिलने के आज योग बन रहे हैं। दोस्तों आर्थिक लाभ के आज आपके लिए काफ़ी योग है। किसी महत्वपूर्ण कार्य की सार्थकता के लिए प्रयत्नशील होगा। कठिन परिश्रम से रचनात्मक योजनाओं को सार्थक करने में सफल रहेंगे। पुराना अटका हुआ धन भी आज आपको वापस मिल सकता है। परिवार के साथ आज आप समय बिताएं। मानसिक सुख आपको और शांति भी प्राप्त होने वाली है। दोस्तों पुण्य के कार्यों के बीच धन का आज व्यय होने वाला है। ईश्वर की आराधना आपके मन को शांति प्रदान करेगी। आपका उत्तम प्रदर्शन आपके प्रतिद्वंदी के लिए चौंका देने वाला रहेगा। आपके कार्यस्थल पर आपको अपार सफलता हासिल होगी, फिर चाहे वो पदोन्नति हो या फिर मान सम्मान। व्यवसाय करने वाले जातक कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें और जिसका परिणाम आपको सकारात्मक रूप से मिलेगा। किसी नई जगह घूमने या फिर जाने का ऑफर मिल सकता है, जिस कारण आपकी ऊर्जा और उत्साह दोनों में ही वृद्धि होने वाली है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर भी आप आज जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कारोबार काफ़ी अच्छा चलेगा और धन लाभ की आज स्थिति रहेगी। लेकिन दोस्तों कार्यभार की अधिकता रहने के कारण आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। आपका दिन भी भागदौड़ से भरा रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं और किसी तरह के निवेश की योजना बना रहे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिल सकती है और समय के अनुसार आपको निवेश भी करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए अवश्य ही लाभकारी साबित होगा। साथ ही साथ आज आपका नए लोगों से संपर्क बनेगा व मनोरंजन के कई अवसर आपको मिलने वाले हैं, जिनसे जीवन में खुशियां बढ़ने वाली हैं। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत आप कर पाएंगे और उनका पूर्ण सहयोग भी आपके साथ रहने वाला है। विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़े जातकों को सफलता के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। कामयाबी के लिए जमकर मेहनत करने की आपको आवश्यकता होगी। स्टूडेंट्स के लिए भी समय आज का काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज किसी तरह का वायरल समस्या उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है। आज आप अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। अपनी दिनचर्या को आज आप
सुचारू रूप से सही बना कर रखें और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा बनाए रखने के लिए आप रोज़ाना योग करें, व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। बात करते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों, आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से खाने पीने की वस्तु शिव जी का नाम मन में स्मरण करके उस व्यक्ति को दान कर दें। दोस्तों, इससे आपके काम में आई हुई बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको सफलता की नई प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।